स्टडी हुई और भी आसान। क्या आप भी अपनी 10वीं और 11वीं की अधूरी स्टडी से हैं परेशान या पैसों की है दिक्कत? आज ही ज्वाइन करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कॉलर ऑफ स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। यहाँ आपको स्कूल और कॉलेज की हर फैसिलिटी मिलेगी निहायत ही कम फीस में। एड्रेस है नासिक रोड नियर आरिफ गार्डन, RN टावर के ग्राउंड फ्लोर। मोबाइल नंबर है 8600272278। बीते दिनों हमने आपको भिवंडी वेस्ट के 8 MLA कैंडिडेट्स के नाम बताए थे, जिसकी लिस्ट में कुछ नाम रह गए हैं। वहीं इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं अकरम खान उर्फ अकरम बाबू। इन्होंने एक बार MLA का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अकरम खान AIMIM की टिकट से उम्मीदवार हो सकते हैं और इन्होंने भी MLA इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है। वहीं 10वें नंबर पर है नागेश निमकर। ये बीते कई सालों से राजनीति में एक्टिव हैं और हमेशा अपने डायनेमिक कामों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अभी हाल में ही इन्होंने टोरेंट पावर कंपनी की शिकायत ED और CBI में भी की है, जिसकी वजह से ये और भी चर्चा में आ गए हैं। वहीं इस इलेक्शन में इन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। इस लिस्ट में आखिरी नाम NCP शरद चंद्र पवार गुट के भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू का है, जिनकी अध्यक्षता में NCP पार्टी के खासदार बाल्या मामा चुनकर आए हैं और इस इलेक्शन में इनकी भी अहम भूमिका रही थी। वहीं अब इन्होंने NCP पार्टी से भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों की टिकट मांगी है। ऐसा समझा जा सकता है कि ये दोनों जगह से इच्छुक हैं। 12वें नंबर पर है फहीम आजमी। फिलहाल बहुजन विकास अघाड़ी के भिवंडी शहर अध्यक्ष है और अक्सर अपने कामों को लेकर चर्चा में बने रहते। इन्होंने भी इच्छा जाहिर की है विधानसभा लड़ने की। महेश चौगले, रियाज आजमी, एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, जाउहार अब्दुल हमीद चिखलेकर, विलास पाटिल, इरफान अहदीस अंसारी, एडवोकेट किरण चेन्ने, तलहा मोमिन, अकरम खान, नागेश निमका, शोएब गुड्डू खान, फहीम आजमी, सारे लोग भिवंडी वेस्ट से विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं।